आज का टॉपिक है स्विच में फेज ही कंट्रोल क्यों करते हैं, न्यूट्रल क्यों नहीं। फेज कंट्रोल करने के क्या लाभ है और न्यूट्रल कंट्रोल करने के क्या हानि है, पूरा डिटेल बताएंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि स्विच का क्या काम होता है। देखिए, स्विच का काम होता है, स्विच या कुंजी उसको हिंदी में बोलते हैं, जो किसी विद्युत परिपथ को इच्छा अनुसार अपने इच्छा अनुसार जोड़ने या तोड़ने में काम आती है, कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने में काम आती है, उसी को हम स्विच बोलते हैं। अब जानते हैं फेज वायर क्या है। सिंगल फेज एसी पावर सिस्टम में आपको दो तार दिखाई देते हैं, एक फेज दूसरा न्यूट्रल। अभी हम फेज का बात करेंगे। जो विद्युत धारा ले जाते हैं वे है फेज वायर, जिसे हम कभी कभी लाइन या हॉट या लाइव वायर भी कहा जाता है, जो लोड को करंट पहुंचाता है। जहां लोड रहता है वहां पे हम करंट पहुंचाते हैं, उसी को हम फेज बोलते हैं। दूसरा होता है न्यूट्रल तार। देखिए, न्यूट्रल तार का उपयोग कहाँ होता है। न्यूट्रल तार वह तार होता है जिसके द्वारा सप्लाई करंट फिर से उसी सिस्टम में चली जाती है जहां से वह आ रही होती है। इस प्रकार न्यूट्रल तार करंट को बहने के लिए रास्ता देता है। बिना न्यूट्रल के विद्युत परिपथ पूरा नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि न्यूट्रल तार का काम होता है रिटर्न पैथ कंप्लीट करना। मान लीजिए फेज से करंट गया, लोड के थ्रू करंट न्यूट्रल से ग्राउंड में न्यूट्रल में चला जाता है। इस ड्राइंग में देखिए, हम न्यूट्रल के साथ स्विच लगाए हुए हैं। स्विच हमेशा सीरीज में लगता है और फेज डायरेक्ट हम लोड को डाल दिए हैं। यहाँ पे होल्डर जो लिखा है, यहाँ पे आप सॉकेट लगा सकते हैं या कोई भी लोड लगा सकते हैं। किसी कारणवश देखिए क्या होगा कि लोड में कोई दिक्कत होगा तो हमको करंट लग सकता है, क्योंकि स्विच ऑफ करने के बाद ही हमेशा फेज अवेलेबल रहेगा होल्डर के पास। अब स्विच यदि हम ऑन कर देंगे तो सर्किट पूरा होगा और ये जल जाएगा, लोड काम करने लगेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि न्यूट्रल में स्विच लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमेशा आपको फेज में स्विच लगाना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जो स्विच लगता है वो फेज में ही लगता है, न्यूट्रल में नहीं लगता है। न्यूट्रल में लगाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। किसी कारणवश कोई बच्चा या कोई तार पकड़ लिया तो उसको करंट लग सकता है। अब देखिए, ड्राइंग दूसरा है ये। न्यूट्रल हम डायरेक्ट लोड में डाल दिए हैं। जहाँ लोड लिखा है वहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं, सॉकेट भी लगा सकते हैं, मोटर भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। यदि अब देखिए पी जो लिखा हुआ है, पी के पास हम सप्लाई दिए, फेज दिए स्विच के पास, हम यहाँ से उसको जोड़ सकते हैं और तोड़ सकते हैं। आगे लोड कुछ ख़राब हो गया तो उसको हम ठीक भी कर सकते हैं, कोई करंट हमको नहीं लगेगा। आपको ध्यान रखना है कि न्यूट्रल डायरेक्ट लोड में डालते हैं और फेज हमेशा स्विच में कंट्रोल करते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमको करंट नहीं लगेगा, कोई लीकेज नहीं होगा। यदि लीकेज भी होगा तो हम स्विच को ऑफ़ करके हम ट्रेस कर सकते हैं, नहीं तो आपको बार बार मेन स्विच ऑन ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ जो लोड लिखा हुआ है, लोड की जगह कुछ भी लगा सकते हैं आप, सॉकेट लगा सकते हैं, मोटर लगा सकते हैं, एलईडी बल्ब लगा सकते हैं। मान लीजिए एलईडी बल्ब को रिप्लेस करना है तो स्विच को ऑफ़ कर देंगे हम, एलईडी बल्ब को या होल्डर को रिप्लेस कर देंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स कीजिए, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।